और अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। आज हम बात करेंगे जिस स्टॉक की, उसका नाम है मुथूट फिनकॉर्प। तो बेसिक चीज़ें पहले हम जान लेते हैं, हालांकि आप सभी परिचित हैं क्योंकि टीवी में इसका ऐड आता ही रहता है कि गोल्ड लोन का प्रचार आपने देखा होगा। तो बेसिक चीज़ें मैं अबाउट अस कंपनी प्रोफाइल में कुछ बताना चाहूँगा और फिर उसके बाद हम लोग फंडामेंटल देखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या प्राइस है, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ मुथूट पापाचान ग्रुप इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट NBFCs इन इंडिया, रजिस्टर्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुथूट फिनकॉर्प हैज़ ओवर 3500 ब्रांच, यानी कि इनकी जो 3500 ब्रांचेज हैं अक्रॉस इंडिया पूरे भारत में, विद एन एवरेज वॉक इन ओवर 75,000 कस्टमर्स पर डे। मतलब इनका जो एवरेज कस्टमर्स डेली आते हैं, विजिट करते हैं इनकी ब्रांचेज में, 75,000 के आसपास प्रतिदिन। द कंपनी हैज़ अ डाइवर्स मिक्स ऑफ रिटेल ऑफरिंग कैटरिंग टू द वेरियस नीड्स इट्स कस्टमर्स इंक्लूडिंग गोल्ड लोन्स। ये गोल्ड लोन मेजर जो इनका सेगमेंट है, और बिजनेस लोन्स देते हैं, हाउसिंग लोन देते हैं, ऑटो लोन्स देते हैं, मनी ट्रांसफ़र, फॉरेक्स एक्सचेंज की सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज हैं एंड वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज हैं। मुथूट फिनकॉर्प इज़ अ प्रोवाइडर ऑफ मास फाइनेंस इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड लोन्स। डेकेड्स ऑफ डेडिकेटेड रिसर्च एंड एक्सपीरियंस इन रूरल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैव एनेबल्ड द कंपनी टू प्रोवाइड क्विक एंड कस्टमाइज फाइनेंस ऑप्शंस एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम फॉर मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हु डू नॉट हैव एक्सेस टू मेनस्ट्रीम कमर्शियल बैंक्स। बेसिकली इनका ये कहना है कि जो रूरल एरियाज़ हैं, जो मुख्य धारा में जो बैंक हैं उनसे वो अगर संबंधित नहीं है, उनका लेन देन ऐसे ही बैंकों से नहीं है, तो उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, समर्पित हैं ये ऐसी ब्रांचेज में, ऐसे लोगों पे, ऐसे रूरल एरियाज़ में जहाँ छोटे छोटे शहरों में, गाँव में। द मुथूट पापाचान ग्रुप विद अ रेपुटेशन दैट हैज़ बीन शेप्ड ओवर डिकेड्स विद हाईली क्वालिटी प्रैक्टिस टोटल कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड स्टडी ग्रोथ स्पैनिंग। खैर, इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं क्योंकि कंपनी डिटेल्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम मेन देख लेते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए। मुथूट टेक्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स फैमिली विच इज़ अ ब्रांच ऑफ ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन फैमिली बेस्ड इन कोज़ेंचेरी, अ स्मॉल टाउन इन द एस्टवाइल प्राइमरी स्टेट ऑफ ट्रावणकोर केरला इन द ईयर 1887। तो ये जो इनका फैमिली बिजनेस था, जो इनके मेन बॉस थे, एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती है, कोज़ेंचेरी में है स्मॉल टाउन ये ट्रावणकोर केरला। 1887 से इनका जो है पहले मुथूट निनान मथाई पैट्रोन फाउंडर ऑफ द ग्रुप, इन्होंने शुरुआत की थी। स्टार्ट इन हम्बल वे एज अ रिटेल एंड होल सेल ट्रेडर ऑफ ग्रेन्स एट कोज़ेंचेरी। इन्होंने ग्रेन्स के, खाने पीने के, अनाज वगैरह का इनका व्यापार था, जो इनके मुख्य जो फैमिली के सबसे पहले जो जिन्होंने शुरुआत की थी रिटेल की, और बाद में इन्होंने जो है आगे पढ़ते हैं, इन अ हम्बल वे एंड रिटेल या दीज होलसेल गुड्स वर मेनली सप्लाइड टू द लार्ज स्टेट्स ऑन बाय ब्रिटिश कंपनीज। हाँ, लेटर अंडरस्टैंडिंग द अनमेड सेविंग नीड्स ऑफ द स्टेट वर्कर्स, मिस्टर निनान मथाई स्टार्ट द चिट फंड्स बिजनेस ऑन अ philanthropic motive as an avenue for saving. Initially it was start solely for the workers, but later was floated outside the state. The business grew slowly but steadily along with its share ups and downs. To workers ke liye, kamgaron ke liye unhone shuruaat ki thi choti chit fund company, uske baad se inka jo hai business chal nikla aur fir unhone jo hai other states mein bhi shuru kiya. For functioning out of a single office in Cozancherry, Muthoot Ninan Mathai entered the gold loan business in 1950s. ye gold loan ke business mein 1950 mein aaye. He soon went on to become the largest player in the chits and gold loans. Various people across Kerala came to Cozancherry for gold loan and chits. The late Muthoot Ninan Mathai had four sons, Ninan Mathew, M. George, M. Matthew and M. Thomas, who were involved in the business from their childhood and later took over the family business. तो जो उनके चारों पुत्र थे, तो उन्होंने बाद में इस बिजनेस को संभाल लिया और
आगे इन्होंने बढ़ाया इस बिजनेस को. करंटली मुथूट फाइनेंस ग्रुप हैज़ 20,000 एम्प्लॉयज सर्विंग ओवर मिलियन कस्टमर्स थ्रू इट्स क्लोज टू 3500 ब्रांच जिन इनमें हैं और 20,000 एम्प्लॉयज हैं जो ये संभालते हैं पूरे देश में. एंड अगर हम थोड़ा सा और स्किप कर दें, एज वेल एज मुथूट पपाचन ग्रुप हैज़ ग्रोवन टू कंपनीज unimaginable promotions armed with a commitment to society. The group set up Muthoot Pashpachan Foundation, a public charitable trust. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं. तो अभी आप समझ गए होंगे कि जो इसके फाउंडर थे बहुत पुराने हैं, आज़ादी से बहुत साल पहले 1800 के आसपास उन्होंने शुरुआत की थी इनके फोर फादर्स ने जो अभी वर्तमान समय में हैं. और फिर धीरे धीरे रिटेल का बिजनेस करते हुए इन्होंने इनकी फैमिली आगे नई जनरेशन ने इसको 1950 में शुरू किया गोल्ड लोन का और चिट फंड्स का. उसके बाद से उनके बेटों ने इसको आगे बढ़ाया और अभी भी ये चल रही 3500 ब्रांच के साथ पूरे देश में. और आप सभी परिचित हैं इस कंपनी से. बेसिकली अगर एक लाइन में अगर कहा जाए कि आपको अगर कोई लोन चाहिए, देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बहुत सारी हैं और बहुत सारी डुबा भी चुकी हैं पैसा, बहुत सारे फ्रॉड भी निकले हैं. मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, लेकिन ऐसी कंपनियां जो हैं सेफ हैं, सुरक्षित है, पुरानी है, रेपुटेड हैं. दूसरी चीज़ जो इनका बिजनेस सेगमेंट है, जैसे कि ये सोना आपसे ले लेते हैं और उसके बाद आपको पैसे देते हैं, तो इनके पास जो गिरवी रहता है सोना, अगर आपने पैसे इनके नहीं लौटाए तो इसको ऑक्शन करके वसूल लेंगे, है ना. तो इस तरीके से ये सेफ गेम खेल रहे हैं और इनका सेफ बिजनेस है. किसी प्रकार का इनका NPA बढ़ने के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि मेनली इन्होंने कहा है कि रूरल एरियाज़ में और छोटे छोटे शहरों में और छोटे छोटे लोन्स देते, चाहे हाउसिंग का हो चाहे ऑटो का हो. ये कॉरपोरेट लेवल के लोन्स पे अभी तक नहीं है, जैसे कि बहुत बड़े किसी इंडस्ट्री को हज़ारों करोड़ दे दिया है, किसी बिजनेसमैन को या किसी एयरलाइंस को, ऐसा इन्होंने अभी मेंशन नहीं किया हुआ है. छोटे छोटे लोन्स है और इनकी धीरे धीरे ब्रांचेस बढ़ती ही जा रहे हैं. तो अब चलते हैं फंडामेंटल की तरफ. अगर हम देखते हैं यहाँ पे दो मार्च 15, मार्च 16, मार्च 17 और मार्च 18 चार सालों के ईयर ऑन रेवेन्यू पे हम देखते हैं कैसी ग्रोथ रही इनकी. तो मार्च 15 में यहाँ पे रही 4,336 की, भी मार्च 16 में हो गए 4,936 ग्रोथ है, और मार्च 17 में भी 5,935 रेवेन्यू में जो इनके सेल्स हैं, और इसी तरीके से मार्च 18 में 6,634 करोड़ की, यानी कि कंसिस्टेंट ग्रोथ है. ठीक है, इसी तरीके से अगर हम नेट प्रॉफिट में सीधे सब कुछ स्किप करते हुए चलते हैं तो मार्च 15 में थी 671 करोड़ की, मार्च 16 में हो गई 814, और मार्च 17 में हो गई 1200 करोड़ की, और मार्च 18 में 1784 करोड़. ट्रेलिंग 12 मंथ का भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है. और इसी प्रकार EPS में भी कंसिस्टेंट ग्रोथ है, यहाँ पे देख सकते हैं. अगर हम इनके क्वार्टर्स के भी कंपेयर कर लें तो देखिए, जहाँ जून 18 में इनका रेवेन्यू था, पहले हम ईयर ऑन ईयर जून 18 से जून 19 में, फिर हम क्वार्टर का देखेंगे मार्च 19 से जून 19 पे. तो जून 18 से 1783 करोड़ की थी, वहीं हो गए 2068 करोड़ की, यानी कि सेल्स में ग्रोथ है. वहीं अगर हम सीधे नेट प्रॉफिट में चलते हैं तो 513 करोड़ थी जून 18 में, और जून 19 में हो गई यहाँ पे 556 करोड़. यहाँ भी अपसाइड है, ग्रोथ है. और यहीं से अगर मार्च 19 से जून 19 में कंपेयर करते हैं क्वार्टरली, तो 2085 करोड़ की जहाँ रेवेन्यू थी वहीं 2068 की हो गई, थोड़ी सी डाउनसाइड है, थोड़ी सी, है ना. और वहीं पे अगर हम नेट प्रॉफिट में चलते हैं तो 542 करोड़ की थी मार्च 19 में, तो हो गई जून 19 में 556 करोड़ की, हालांकि नेट प्रॉफिट में यहाँ पे इनको बढ़त है. देखिए, इस कंपनी के फंडामेंटल भी अच्छे हैं, और बाकी चीज़ें जो मैंने बताई ध्यान देने वाली बातें वो भी समझने की बात है. और आज इसने फिर से हाई बनाया है साल का, तो वो भी हम देखेंगे. और कंपाउंडेड अगर हम सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो 3 ईयर्स का अगर हम देख लेते हैं लास्ट, तो 15% से ज़्यादा की है. कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में अगर देखते हैं तो 38% से ज़्यादा ग्रोथ है. रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखते हैं 20% से ज़्यादा की ग्रोथ है. तो इस तरीके से जिस कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो, जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हो, जिनका बिजनेस मैनेजमेंट बहुत पुराना हो और अभी तक संभाल रहे हैं, किसी प्रकार का कोई धांधली या स्कैम या फिर मैनेजमेंट को लेकर कोई इशू ना हो, तो ऐसी कंपनियों में हमें भरोसा करना चाहिए. अच्छा मुनाफा बना के देती ही देती, भले ही कम दें लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ. लेकिन इसने अभी साल भर में बहुत अच्छा रिटर्न दिया, वो भी मैं दिखाऊँगा.
अगर हम मुथूत फाइनेंस पे आज देखते हैं तो आज है 16 अगस्त 2019, 12 बज चुके हैं, 635 रुपये के भाव पे ट्रेड हो रहा है और 20 रुपये 65 पैसे की BSE पे यहाँ पे अपसाइड दिखा रहा है और जो साल का लो था 356 और हाई इसने आज ही बनाया है, संभवतः आज ही, अच्छा आज नहीं बनाया, ओके 656 हाई गया था, ठीक है तो अपने हाई के आसपास ही है। और बेसिक चीज़ें अगर हम देख लेते हैं कैपिटल वाइज तो यहाँ पे मार्केट कैप है इसका 25,280 का, यानी कि लार्ज कैप है, और EPS है 50 का, पी रेशियो 12.57 जबकि इंडस्ट्री पी है 30 के आसपास, बुक वैल्यू है 244 का, इस हिसाब से 600 पे भाव पे ट्रेड हो रहा तो 2.58 प्राइस टू बुक हम यहाँ पे देख सकते हैं, फेस वैल्यू 10 रुपये की है और डिलीवरी इसकी 38% के आसपास है। रिटर्न अगर हम देख लेते हैं तो पहले तो हम देखेंगे कि साल में इन्होंने देखिए एक साल में 53% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हुए हैं और 6 मंथ पहले जिन्होंने पैसे लगाए हैं उनको 19 यानी 20% के आसपास रिटर्न उनको मिल रहे हैं एक साल। तो नो डाउट इस गिरावट में भी अगर ये कंपनी आपको, जबकि MBFCs में बहुत भयानक पिटाई हुई है तो उस हिसाब से ये स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। और अगर हम 3 सालों में रिटर्न देखते हैं कैसा रहा, ओके क्या हो गया, हाँ 5 सालों में देखते हैं अगर हम, चलिए 3 साल का नहीं 5 सालों का दिखा रहा तो यहाँ पे 250% के आसपास हैं। तो अगर आपने 1,00,000 रुपये लगाए होते यहाँ पे लमसम मुथूत फाइनेंस में तो आपके हो गए थे 353,807 रुपये आज की डेट में। तो रिटर्न काफ़ी शानदार है, बहुत बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे रिटर्न हैं और इस समय जबकि मार्केट की हालत खस्ता है। और फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँ कि अभी देखिए वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखते हैं तो फेयर वैल्यू पे है लेकिन ये अपने हाई के आसपास है, काफ़ी भाग चुका है और जिस प्रकार से मार्केट में गिरावट चल रही है ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि कंपनी अच्छी है तो समय का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा अगर ऊपर है स्टॉक प्राइस तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हम कब लें, समझदारी इसी में होनी चाहिए। अगर हम प्रमोटर्स की बात करते हैं तो प्रमोटर्स के पास यहाँ पे दिखा रहा है कि 73% के आसपास की होल्डिंग है, एक शानदार होल्डिंग है और बाकी की जो शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की काफ़ी अच्छी स्कीम्स ने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं और डिविडेंड भी हम दिखा देते हैं आपको किस प्रकार से डिविडेंड देती है कंपनी। तो अभी इसमें देखिए 12 रुपये पर शेयर के हिसाब से इन्होंने 11 अप्रैल को डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को दिया था पर शेयर के हिसाब से, जिनके पास एक शेयर पे इन्होंने 12 रुपये दिए थे पर शेयर डिविडेंड, तो शानदार डिविडेंड है नो डाउट। तो अच्छी कंपनी के अगर जिसको NBFC में लगता है, तो मैंने मन्नापुरम फाइनेंस के बारे में बताया था छोटी प्राइस का, वो भी बहुत अच्छा लेकिन काफ़ी आगे ऊपर जा चुका था तो अभी उसमें भी गिरावट आई है काफ़ी। तो ऐसे मार्केट में धीरे धीरे हमें SIP करनी चाहिए जिससे हमारा पैसा फंसे बिना और एवरेज होता रहे। अगर जो एग्जिस्टिंग भी है तो ऐसी फंडामेंटल कंपनी बेचने की तो गलती ना करें क्योंकि बेचने का कोई सलूशन नहीं है। अगर आपने अच्छी कंपनी के स्टॉक लिए हैं और मार्केट में मंदी आ रही है तो उस हिसाब से बेच के निकलना वो समझदारी नहीं है। डिविडेंड खाइए, इसका लाभ लीजिए और बने रहिए, बाउंस बैक कभी भी कर सकता है मार्केट भी और स्टॉक्स आपके भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर आप कमेंट्स में कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।